सभी ये कहते हैं आपकी ईयर्स प्रोफेशनल नहीं है, आपकी ईयर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, आपकी ईयर्स को समझ होनी चाहिए, आपकी ईयर्स का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। तो क्या करें, ईयर्स को निकाल के कॉलेज भेज दे प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए? आज करते हैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो विद अ हाई फाइव, लेट्स माहीफाई। वेलकम एवरीवन टू माहीफाई। मैं हूं माही और आप मेरे साथ हैं क्विक साउंड बेसिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोफेशनल ईयर ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग ईयर ट्रेनिंग को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जैसे जिम में जाकर के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनते हैं ना, वैसे स्पीकर के आगे बैठ करके ईयर्स को ट्रेन करेंगे और फिर उसके बाद में ईयर्स के डोले शोले निकल आएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ईयर ट्रेनिंग दरअसल ब्रेन ट्रेनिंग ही है, बस सुनने को लेकर के। एक प्रोफेशनल ईयर उसे कहेंगे जो सुरीले और बेसुरे में अंतर बता सके, जो सुनकर के गलतियां निकाल सके, अलग अलग क्वालिटीज में फर्क बता सके, जो साउंड की छोटी छोटी डिटेल्स को अच्छे से समझ पाए। नोट के पिच अगर हल्की से भी ऊपर या नीचे है तो उसे वो सुनकर के पता लगा ले और सही कर दे। सिर्फ सुनकर के एक प्रोफेशनल और एक अनप्रोफेशनल मिक्स में अंतर बता सके। और अब इन सब बातों में दिमाग तो लगेगा ही। अब इतनी सारी बातें जान लेने के बाद में इतना तो क्लियर हो गया कि एक प्रोफेशनल ईयर को मार्केट से खरीद करके तो ला नहीं सकते। तो अब हम लोग बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिससे कि प्रोफेशनल ईयर को डेवलप किया जा सकता है। पहला है म्यूजिक सुन के। राइट, सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका। आप डिफरेंट डिफरेंट जोनर के बहुत सारे गाने सुन सकते हो जिससे कि आपको उनके बीच का अंतर पता चलेगा। यही नहीं, आपको प्रोफेशनल्स के अरेंजमेंट्स, डिफरेंट जोनर के डिफरेंट मिक्सिंग स्टाइल्स के टेस्ट के बारे में भी पता चलेगा। और अगर आप एक सिंगल जोनर पे काम करते हो और आपको वो ही पसंद है तो उसी जोनर के प्रोफेशनल मिक्सेस सुनने से आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा। आफ्टर ऑल आप जो सुनोगे वही तो क्रिएट करोगे। सेकंड मेथड है, एक प्रोफेशनल ट्रैक को सुनते हुए आप एक बार में उसके सिर्फ एक ही एलिमेंट पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक सुनते हुए आपने एक बार में सिर्फ वोकल पर ध्यान दिया, उसकी अरेंजमेंट को, उस पर लगाए गए इफेक्ट्स को ध्यान से नोटिस किया। दूसरी बार में सिर्फ बेसलाइन पर ध्यान दिया, तीसरी बार में कोर्ड्स को समझा, चौथी बार में सिर्फ किक पर ध्यान दिया। इसी तरीके से करते हुए आपने क्लैप, हैट, स्नेयर और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को भी ध्यान से सुना। इवन उन एलिमेंट्स को भी ध्यान से सुना जो कि ट्रैक में इतना प्रेजेंस नहीं रखते हैं, जो कि ट्रैक में इतना सुनाई नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रैक में जरूरी हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। और ऐसा करने से जो लोग ये कहते हैं ना, मुझे ना पता ही नहीं चलता किसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है, किक की वॉल्यूम ज्यादा रखनी है या क्लैप की ज्यादा रखनी है, वोकल की वॉल्यूम कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, किक के नीचे क्लैप लगाऊं या हैट के नीचे क्लैप लगाऊं, पियानो के साथ क्लैप अच्छी लगेगी, उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और साथ में ट्रैक अरेंजमेंट की प्रॉपर नॉलेज भी हो जाएगी। तीसरा आता है अच्छे हेडफोन्स या स्पीकर्स में सुनना। मैंने बोला है अच्छे हेडफोन्स या स्पीकर्स में सुनना, महंगे हेडफोन्स या स्पीकर्स में सुनना नहीं। अब मान लीजिए आप किसी हेडफोन या ईयरपीस में ट्रैक सुन रहे हैं और उस हेडफोन या ईयरपीस का एक साइड चलता ही नहीं है, या चलता है तो उसमें फटी फटी आवाज आती है, या फिर आप एक ऐसे स्पीकर में सुन रहे हैं जिसमें बेस ट्यूब है ही नहीं, या फिर आप किसी एक ऐसे स्पीकर में सुन रहे हैं जिसमें बेस ही बेस आ रही है, ट्रेबल बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। ऐसे इक्विपमेंट आपकी ईयर ट्रेनिंग में कोई हेल्प नहीं करने वाले, उल्टा आपके ईयर ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को खराब ही करेंगे। इसके बजाय आप एक जेन्युइन ईयरपीस, हेडफोन या स्पीकर में सुने जो कि सारी फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से और क्लीन सुनाता हो, वो ही काफी है। फोर्थ है एजुकेट योरसेल्फ। हाँ जी, गूगल पे सर्च करो, ट्यूटोरियल्स देखो, प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज देखो, सेम लाइन के बंदों से बात करो, ईबुक्स पढ़ो या फिर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, और फिर क्या, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब बारी है बोनस टिप की, ईयर फटीग का भी ध्यान रखें। ज्यादा लंबे समय तक म्यूजिक ना सुने, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, ज्यादा लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक ना सुने। ईयर फटीग की डिटेल्ड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो मुझे भी अपना प्यार दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और साथ में नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।